अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम सर अगर मुझे करना है अगर मेरे दिमाग में आ रहा है ऐसा सोच रहा हूँ मैं कर लूँ तो वॉट इज़ टाइम क्या क्या करना पड़ेगा स्टेजेस क्या होंगे देखो वेरी सिंपल फर्स्ट स्टेप दिसंबर 23 में फाउंडेशन दे दो पहला लेवल हो गया दिसंबर 24 फोर एग्जैक्टली आफ्टर वन ईयर इंटर देंगे यहाँ पे कितने पेपर दे रहे हैं फोर यहाँ पे कितने पेपर दे रहे हैं एट सर फोर मतलब आउट ऑफ फोर हंड्रेड यूनिट टू स्कोर टू हंड्रेड टू पास द एग्जाम आउट ऑफ एट हंड्रेड यूनिट टू स्कोर फोर हंड्रेड टू पास द एग्जाम विच इज वेरी रिजनेबल हो जाता है नेक्स्ट आई टोल्ड यू फिफ्टीन मंथस ट्रेनिंग इसके बाद आप जॉब करेंगे कितना फिफ्टीन मंथ्स वंस यू आर डन विदिफ्टीन मंथ्स ट्रेनिंग आफ्टर ट्रेनिंग विल गो फॉर अ फाइनल अटैम्प्ट दैट इज द लास्ट अटेम्प विच इज एट पेपर्स अगेन सेम लॉजिक एट हंड्रेड मार्क्स एग्जाम फोर हंड्रेड यूनिट टू स्कोर दैट्स इट यू आर डन सी एम ए कितना टाइम लगा टोटल थ्री एंड हाफ ईयर मतलब अभी से गिन लीजिए अभी से थ्री एंड हाफ ईयर्स में आप कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड इसके बाद यू कैन गो फॉर प्लेसमेंट जॉब के लिए जा सकते हो या आप खुद की फर्म डाल के बैठ सकते हो इफ़ यू डोंट वांट टू डू अ जॉब आप खुद की फर्म डालिए कंसल्टेंसी फर्म डालिए कंसल्टेंसी करिए नो प्रॉब्लम विद दैट तो ये आपकी टाइम बन सकती है इफ़ यू आर राइट नाउ इन ट्वेल्थ नाउ यू विल बी वेरी एक्साइटेड कि सर थोड़ा कहाँ अटेंड करना है कैसे करना है देखो रिसेंट बैचेस के लिए अगर आपको इंक्वायरी चाहिए आप ये नंबर को सेव कर लीजिए इसमें आप अपना नाम भेज दीजिए दे विल शेयर यू द ब्रॉशर उसमें सारी डिटेल्स होंगी सारे खर्चे के बारे में सब बताएगा बैच के बारे में सब्जेक्ट्स जो मैंने अभी पीपीटी में दिखा है सारे सब कुछ उसमें दिख जाएगा यू विल हैव अ डिटेल नॉलेज अबाउट द कोर्स ब्रॉशर के अंदर ऑल्सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर यू कैन टेक द गाइडेंस सपोर्ट कोई दिक्कत नहीं है दिस इज़ फॉर यू ओनली प्लीज़ कम एंड ज्वाइन दिस कोर्स एंड अपने करियर को एक अलग लेवल पे लेके जाइए सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन थैंक्स अ बाय बाय टेक केयर